मैनपुरी पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मैनपुरी शहर कोतवाली में गड़िया निवासी सावित्री देवी नाम की एक महिला ने सीएसपी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी से धोखाधड़ी की रकम सहित हार्ड डिस्क और बायोमेट्रिक बरामद की है। साइबर सेल मैनपुरी द्वारा आज एक अभियुक्त पकड़ा गया जिसके द्वारा कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया था और ये जनमानस में धोखाधड़ी करके उनके बैंक से खाते से पैसा गायब करता था। इसके कब्जे से एक अदद हार्ड डिस्क, एक बायोमेट्रिक मशीन और 18,500 बरामद हुए हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि सावित्री देवी ने ये FIR लॉन्च कराया था।